प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन भी होना चाहिए। बहुत सारे मुद्दे हैं, सब अपने अपने तरीके से बता रहे हैं। रोजगार को लेकर हर जगह सवाल पूछा जाता है, क्या पंजाब हो, क्या हरियाणा, क्या बिहार, क्या राजस्थान, क्या मध्य प्रदेश, सब जगह घूम कर आया मैं, अलग अलग जगह भी पंजाब से भी घूम कर आ रहा हूँ। सब कहते हैं रोजगार रोजगार रोजगार, पर सरकार बात नहीं कर रही। मुद्दे बात हो रही है राम मंदिर की, 370 की, इन चीजों की तो बात हो रही है, रोजगार की बात नहीं। देखिए रोजगार तो आप एजुकेटेड हैं, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो रोजगार आपको स्वयं मिलेगा। अगर आप स्कूल ही नहीं जाएंगे तो इसमें प्रधानमंत्री जी क्या करेंगे? सब लोगों को शिक्षा होगी तो आदमी रोजगार अपना मिलेगा। देखिए मैं कहता हूँ सरकार सभी को रोजगार नहीं दे सकती, तो आदमी को सेल्फ अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस स्टार्टअप, आजकल स्टार्टअप हमारे प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया है, उस स्टार्टअप में लोग बड़े अच्छे राइज कर रहे हैं, तो आप छोटे छोटे कारोबार करके भी अपने आप को राइज कर सकते हैं। देखिए हर चीज सरकार नहीं करती, कुछ लोगों को सेल्फ मोटिव भी लेना पड़ता है, क्योंकि देश में जनसंख्या जिस हिसाब से भारी बढ़ रही है उस हिसाब से यहाँ पे आउटसोर्सिंग कम है, तो लोगों को खुद इंजेक्ट करने पड़ेंगे वो चीजें। तो मेरा तो ये मानना है कि ऐसा कुछ नहीं है, देश बड़ा हमारा सुदृढ़ है, डेवलप है, थोड़ा सा लोगों को जागरूक होने की जरूरत है कि आदमी सेल्फ अपने पैरों पर खुद अपने इंडिपेंडेंट काम करे तो वो चार लोगों को और रोजगार दे सकता है। रोजगार देखिए इनका क्या मानना है कि ज्यादा, क्योंकि जनसंख्या जिस तरीके से हमारी है उस हिसाब से रोजगार बहुत ज्यादा लोगों को नहीं मिल सकता, दूसरे रास्ते भी चुनने होंगे। क्या मुद्दे क्या है सर चंडीगढ़ के, नाम बताओ। रघुवीर सिंह, चंडीगढ़। देखो जी चंडीगढ़ पहले ही जैसे कि बताया कि चंडीगढ़ पहले डेवलप एक सिटी है और इसपे जो प्रशासन ज्यादा हैवी रहता है, मतलब इसमें पॉलिटिकल का इतना स्टेप नहीं हो पाता है, ठीक है ना। तो मुद्दे तो इसमें इतने नहीं है, कॉलोनियों बिल्कुल कॉलोनियों में थोड़ा सा उसकी दिक्कत है, वो हमने आपके बारे दिया हुआ है कि भाई जो उसका मकानों का जो नाम किया जाए, मतलब उसका वो किया जाए, लेकिन जितने मोस्टली जो 17 कॉलोनियाँ हैं ना सबका यही है, प्रशासन के हाथ में ये चीज़ है कि भाई वो उसको उसके हाथ में, प्रशासन के हाथ में ये तो पॉलिटिकल, वो तो हम देते उनको हर बारी की भी इसको आप किया जाए, जबकि पिछले 15 साल से पवन बंसल जी वो थे सांसद थे, तो उन्होंने तो एक बार भी नहीं इसको उठाया, ठीक है ना। वो आते थे और झूठे आश्वासन दे जाते थे कि भी हम नाम कराएंगे, लेकिन उन्होंने एक बार भी इसका प्रयास नहीं किया, जबकि उनकी 10 साल उनकी भी सरकार रही है। तो हमने पीछे किरण खेर मैडम को भी दिया, तो उन्होंने प्रयास किया, हमारे अध्यक्ष थे अरुण सूद पूर्व में, तो उन्होंने भी इसका प्रयास किया, तो वो ये कह रहे कि ये जो मकान है 90% मकान बिक चुके हैं, ठीक है, तो हम किसके नाम करें इसको भी, वो भी तो प्रॉब्लम है ना। ये अब आज मान लो इनका था, ये चले गए बेच के 10-20 साल पहले, अब इन्होंने लिया, फिर उन्होंने लिया, मतलब 3-4 बार बिक चुके हैं, तो कैसे नाम होगा वो। तो मेन हमने अब ये मेन यही रखा है कि कोई इसका हल जो निकाला जाए कि इसको लोगों को जो रह रहे हैं 15 साल से 20 साल से 10 साल से उनके नाम किस तरह किया जाए, यानी कि हमारा मेन ये है। और दूसरा हमारा ये है कि जो यहाँ के सीनियर हैं, जो सीनियर सिटीजन हो गए, जो विधवा पेंशन हो गई, उसको उसकी तरह डबल किया जाए, हमारा ये एक मांग है। बाकी यहाँ पर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है चंडीगढ़ शहर में। जो पानी की बात करें, पानी प्रॉपर आता है, गर्मी में थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, और पानी का जो हरियाणा पंजाब के मुकाबले हर चीज़ बिजली और पानी यहाँ की सुविधा बहुत सही है। बहुत लोग यहाँ से रह रहे हैं वहाँ पर, आपका पंचकुला हो गया, ट्राई सिटी के आसपास, लेकिन जो सुविधा यहाँ पर है उनको भी पता है, वो फिर वापस यहीं पर आके रह रहे हैं, क्योंकि जो सुविधा चंडीगढ़ शहर में यूनियन टेरेटरी में वो वहाँ नहीं है। तो विकास में तो नंबर वन है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, इनको लगता है विकास में कोई कमी नहीं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मोहम्मद दानिश है और सेक्टर 26 से हूँ। और ये है, ये मुद्दा है हमारा कि सिलेंडर इतना महंगा है, पहले 400 कुछ रुपए तक का, अब हो गया 800 का, 1100 का। अरे ये चलो ये एक मुद्दा है, पार्क में यहाँ जाए कोई टहलने मस्जिद के पास से, वहाँ पार्क में टॉयलेट होनी चाहिए, इमरजेंसी टॉयलेट आ जाए या शौचालय आ जाए, कैसे आएगा। और हमारी महिलाएं को, महिलाएं के खाते में पैसा आने चाहिए, और ये पानी बिजली बहुत कम आ रहा है, पानी के लिए पब्लिक बहुत परेशान। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।